मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष आज के इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने जा रहा है कि जब हमारे घर में कोई स्त्री गर्भवती होती है तो सबकी इच्छा ये होती है कि संतान कब होगी, या नहीं हो, नहीं गर्भवती नहीं भी हो फिर भी ये सोचती है इंसान संतान कम होगी। दर्शकों, पूरे नौ ग्रहों में से चार ग्रह ऐसे हैं वो गोचर में, लगन से गोचर में, चंद्रमा से गोचर में नहीं, लगन से गोचर में जो चार ग्रह अपने कुछ बिंदुओं पर आते हैं तभी संतान का जन्म होता है। और वो जब तक नहीं आते तो अच्छी दशाएं आती हैं चली जाती हैं, संतान का जन्म नहीं हो पाता। उन चार बिंदुओं का इस प्रकार गणना की गई है हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने कि उन चार बिंदुओं, चार ग्रहों के बारे में देखना आवश्यक है और वह लगन से देखा जाता है। वह चार कौन से बिंदु हैं? शनि, शनि ब्रह्मांड में जन्म कुंडली से जब पंचम भाव या नवम भाव या पंचम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी पर 9 महीने पहले, लगभग 9 महीने, 6 महीने, 7 महीने, मैक्सिमम 9 महीने पहले जब प्रभाव बनाता है तो संतान का योग बनता है। उसके साथ साथ गुरु का भी पंचम भाव या नवम भाव के भाव से या उसके स्वामी से वो जन्म से पिछले 9 महीने तक अगर अपना प्रभाव बनाता है तो संतान का जन्म होता है। इसी प्रकार मंगल जन्म के पीछे 75 दिन के अंदर अंदर वो अपना प्रभाव पंचम भाव नवम भाव से बना या उनके स्वामी से बनाता है तो संतान का जन्म होता है। चौथा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पिछले 72 घंटों में पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी से संबंध बनाता है तो ही संतान होती है। दर्शकों, आज हम एक स्त्री जातक और उसकी प्रथम संतान को लेकर के आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे। स्त्री जातिका का जन्म 8 मई 1982 पूर्णिमा नक्षत्र विशाखा चरण 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन हुआ। मेष लगन में उच्च राशि में सूर्य 23 डिग्री विराजमान है और लगन वहीं पर 28 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में वृषभ राशि में बुध 14 डिग्री लेकर विराजमान है। राहु मिथुन राशि में 22 डिग्री लेकर विराजमान है और छठे भाव में मंगल 6 डिग्री लेकर विराजमान है तो वहीं पर शनि 23 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में तुला राशि में गुरु 10 डिग्री 20 मिनट लेकर विराजमान है तो वहीं चंद्रमा 23 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में धनु राशि में केतु 22 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में उच्च राशि में शुक्र 10 डिग्री लेकर विराजमान है। तो आज का विषय है संतान कब होगी। हम हमेशा लालसा रहते हैं अगर संतान कब होगी। तो मैंने ये चार ग्रह बताया, इनका गोचर जब इस जातिका के लगन के लगन कुंडली में इस प्रकार अनुकूल होगा तो संतान होगी। कैसे? शनि का प्रभाव पंचम भाव या नवम भाव के इसके स्वामी पर जन्म के 9 मास के हो, शनि का प्रभाव, ये पंचम भाव है इस जातिका का, ये पंचम भाव है, सभी का ये पंचम भाव है, ये पहली संतान का भाव है। या तो इस पंचम भाव पर शनि का प्रभाव हो, या पंचमे सूर्य पर प्रभाव हो, या नवम भाव पर हो, या नवम भाव का स्वामी इसमें गुरु है, आपका कोई भी हो सकता है। आपका पंचम भाव में कोई भी राशि हो सकती है, आपके नवम भाव में कोई भी हो सकती है। जरूरत है शनि पंचम भाव या पंचमेश, नवम भाव या नवमेश से संबंध बनाए। उसके बाद गुरु पंचम भाव या नवम भाव है इसके स्वामी से, उसके बाद गुरु भी हो। आपका कोई भी यहां पर स्थान हो, कोई भी लगन हो, उससे मतलब नहीं है। गुरु का भी इसी प्रकार से संबंध हो, या तो पंचम भाव से संबंध हो, या पंचम भाव में जो आपकी राशि आई उससे संबंध हो, या नवम भाव से संबंध हो, या नवम भाव में जो आपके पास राशि आई उससे संबंध हो। उसके बाद है मंगल। मंगल का भी इसी तरह से संबंध, गुरु और शनि पिछले 9 महीने में कभी ना कभी संबंध होना चाहिए। मंगल का प्रभाव पिछले जन्म से 75 दिन, पिछले 75 दिन तक या तो पंचम भाव से हो, या पंचम भाव के स्वामी से हो, या नवम भाव से हो, या नवम भाव के स्वामी से जन्म के पिछले 75 दिन तक।
वो प्रभाव कभी भी प्रभाव हो सकता है। उसके बाद चौथा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का प्रभाव या तो पंचम भाव से हो या पंचमेश से हो या नवम भाव से हो या नवमे से हो और 72 घंटे के अंदर होना चाहिए, यानी लास्ट मूवमेंट चंद्रमा का है। चंद्रमा का प्रभाव 72 घंटे यानी 24 से 72 तीन दिन में अगर उसमें आता है आपका नवम भाव या नवमेश, पंचम भाव या पंचमेश, तो आप समझ लेना अभी हमारी 2-3 दिन के अंदर अगर स्त्री गर्भवती है तो होगी। उससे पहले संतान योग बहुत जरूरी है देखना। जैसे ये जातिका की कुंडली है, पंचम भाव पहली संतान का भाव है। आज हम पहली संतान के विषय में बात कर रहे हैं। पंचम भाव पहली संतान का भाव है। पंचम भाव का स्वामी लगन में सूर्य उच्च राशि में है, अच्छे स्थान पर है और गुरु भी देख रहा है, चंद्र की भी दृष्टि है, तो बहुत ही अच्छा योग है संतान का। ग्रहों का पाप दृष्टि तो चली जाती है, हो जाती है, वो थोड़ा बहुत लेट शेट करेगा, लेकिन संतान जरूर होगी। संतान योग इस जातिका की कुंडली में है। आगे बात करते हैं इस जातिका के प्रथम संतान ने 7/11/2008 शुक्ल पक्ष 9 धनिष्ठा चरण 4 में जन्म लिया। जन्म के समय पर इसके पहले बच्चे की जो कि कन्या है उसकी जन्म की स्थिति इस प्रकार रही। कुंभ राशि में चंद्रमा रहा। पहले हम शनि की बात करते हैं। शनि पंचम भाव या नवम भाव से इसके स्वामी को देखे, किसके स्वामी को, माता के स्वामी को। शनि यहां पर सिंह राशि में है, 25 डिग्री लेकर विराजमान है। जिस टाइम पर इस स्त्री ने अपनी पुत्री को जन्म दिया उस टाइम पर शनि इसकी कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि में 25 डिग्री 13 मिनट था, क्योंकि 25 मिनट 13 मिनट 7/11 को था सिंह राशि में। तो इस जातिका की, इस स्त्री जातिका की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि है, तो शनि की यहां स्थिति थी। शनि को भी क्लियर करते हैं। शनि यहां पर 25 डिग्री लेकर बैठा था। शनि तो एक महीने में 1 डिग्री चलता है, तो इसका मतलब पहले से शनि चल रहा था, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब शनि ने पंचम भाव को देख लिया, दूर थी। शनि का पंचम भाव या पंचमेश या नवम भाव या नवमेश पर प्रभाव हो तो शनि ने पंचम भाव को देख लिया। दूसरी है गुरु पंचम भाव या नवम भाव या इसके स्वामी को पिछले 9 मास में देखे। अभी जन्म के टाइम पर 7/11 को गुरु की क्या स्थिति, धनु राशि में गुरु 23 डिग्री लेकर विराजमान है, तो वह इस स्त्री के नवम भाव में धनु राशि है। मैंने लाल पेन से दिखाया है, गुरु यहां पर 23 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है था। जरूरत है गुरु पंचम भाव या नवम भाव या उसके स्वामी को 9 महीने पहले देखे। गुरु के भी 23 डिग्री है तो जरूरी बात है गुरु यहां पर पहले से ही था, तो गुरु पर यहां पर होना, उसे नवम भाव को भी देखा और पंचम भाव को भी देखा और पंचमेश को भी देखा, गुरु ने तीनों चीजों को देखा, तो गुरु भी इसमें पास हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की, वो बात करते हैं मंगल की, क्यों तीसरा ग्रह मंगल है जो संतान देने वाला है। मंगल की शर्त क्या है, जन्म से 75 दिन के अंदर में पंचम भाव पंचमेश नवम भाव नवमेश पर अपना प्रभाव हो। तो 7/11/2008 को मंगल जो था तुला राशि में था। मंगल मैंने यहां पर लाल पेन से दिखाया है, 29 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है, तो ज्योतिष के विद्वानों का तो है 75 दिन से पहले कभी भी हो, तो इस मंगल ने पंचमेश सूर्य पर प्रभाव डाल दिया और नवमेश पर भी गुरु पर भी प्रभाव डाल दिया। 7/11 को मंगल की ऐसी स्थिति है, अब वो गुरु को शुक्र को सूर्य को भी देख रहा है, सूर्य पंचमेश है और गुरु नवमेश है, गुरु के साथ मंगल है, तो गुरु भी पास हो गया। अभी बात करते चौथा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा 7 तारीख को कुंभ राशि में है, 4 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो मैंने चंद्रमा को कुंभ राशि में दिखाया 4 डिग्री 39 मिनट लेकर के। तो चंद्रमा तो तीर्गामी ग्रह है, एक राशि को 2.25 दिन में करता है, तो यानी जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में आ गया और कुंभ राशि ने सीधा पंचम भाव को देखा और बालिका ने
जन्म ले लिया। तो आप ऐसी गणना किसी की भी कर सकते हैं। हमारे बाकी ग्रह कोई भी गोचर में जब आता है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता संतान का। पहली जरूरत है कुंडली में संतान योग हो। दूसरी जरूरत है कि उसके पंचम भाव, नवम भाव या उनके स्वामी को शनि का प्रभाव विद इन पिछले 9 महीने में हो। गुरु का पंचम भाव या पंचमेश, नवम भाव या नवमेश के प्रभाव पिछले 9 महीने में हो, और मंगल का प्रभाव पिछले 75 दिन में हो, और चंद्रमा का प्रभाव 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो मैंने ये जो चारों ग्रह हैं इस स्त्री जातक की कुंडली में लाल पेन से दिखाकर आपको मार्गदर्शन के लिए आसान बनाने के लिए लिखा, और इसी तरह से संतान पैदा होती है। अगर इनका इस तरह से मेल नहीं मिलता है तो कितनी भी अच्छी दशा आए संतान नहीं होती। मान लिया जाए, मैं थोड़ा सा और आपका बात जान बताऊं, मान लिया चंद्रमा कुंभ राशि में है और कुंभ राशि से पार हो गया फिर मीन राशि में हो गया, मीन राशि में जाने तक चंद्रमा 2.25 दिन तक रहेगा तो संतान नहीं होगी, जन्म नहीं लेगी। फिर चंद्रमा मेष राशि में चला जाएगा और पंचमेश को प्रभावित करेगा तो ही संतान होगी। तो मैं समझता हूं मैंने आपको आज कब संतान होगी आपके घर में, जिसकी भी देख रहे हैं उस स्त्री या पुरुष की, आप लग्न कुंडली और सप्तमास कुंडली के लग्न से देखिए। इससे चंद्र राशि के गोचर का मतलब नहीं है, ये प्रभाव लग्न कुंडली में देखा जाता है। जो मैंने आपको ये चार ग्रह बताया, चार ग्रह इस प्रकार क्योंकि जिस टाइम पर इस बच्चे ने जन्म लिया वो इस माँ का भी तो गोचर था, इस माँ के भी ग्रह थी, उन चार ग्रहों को इस माँ के लग्न कुंडली में हमने बैठा के देखा तो हमारी चारों जो रिक्वायरमेंट थी, चारों जरूरत थी, चारों जो नियम थे वो फुलफिल हो रहे थे और बच्ची ने जन्म ले लिया। तो दर्शकों, कब होती है संतान? ये चार ग्रह शनि, गुरु, मंगल और चंद्रमा ही है जो कि लग्न कुंडली में गोचर के इस हिसाब से पंचम भाव, नवम भाव या उनके भावेश पर प्रभावित करेंगे अपने अपने टाइम में। गुरु शनि 9 महीने के अंदर और मंगल 75 दिन में और चंद्रमा 72 घंटे में तो ही संतान होगी। अगर इनमें से कोई भी ग्रह नहीं देखता है, चंद्रमा तो मान लिया तीव्रगामी देखता रहेगा तो गुरु और शनि का है, अगर ये नहीं देखेंगे तो जब तक संतान नहीं होगी। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जो कि कुंडली से अलग है, अगर मैं इसका कुंडली का विश्लेषण करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेजस्वी यह स्त्री है क्योंकि पंचमेश उसका है और गुरु देख रहा है गुणवान प्रस्तमान। द्वितीय भाव में बुध है, बुद्धि की कोई कमी नहीं, गुणवान अच्छे। इस जातक की कुंडली में पूरे अच्छे योग हैं। आज का विषय सिर्फ इतना ही था, कब होती है संतान? संतान के लिए चार ग्रह जिम्मेवार है। ये चार ग्रह जब लग्न राशि से गोचर में आते हैं, इस प्रकार से आते हैं, मैंने आपको 2-3 बार बताया, तो हमको संतान मिल जाती है, भगवान दे देता है। दर्शकों, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये गणना सारे हमारे ज्योतिष आचार्यों की है, मेरी कोई गणना नहीं है, मैं तो उनके एक पथ पर चलने वाला एक छोटा सा आदमी हूं जो दो शब्द जान करके आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार जो वास्तविक जो कुंडलियां लेकर के आपका मैं मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर, यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृ दोष की पूजाएं वजायन की जाती है, जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरी पत्रिकाएं लिखने के बाद जब हमारे अंदर उस ज्ञान आ जाता है उस व्यक्ति के बारे में, उस जातक के बारे में, तभी हम आपके सामने 10-15 मिनट यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करने लायक होते हैं। उसमें से छोटा सा ज्ञान जो इच्छुक है वो लिखवा सकता है, बाकी जो मेरे को बताते हैं गुरुजी इसका देखिए, मैं उनको लाइन में लगा देता हूं और जब समय आएगा जरूर आपको मौका देंगे आपका विश्लेषण करने के लिए। दर्शकों, अगर फिर कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूं, आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।